हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकंड लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करना है। तो आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है चेंज इट्स मोशन, सेकंड ऑप्शन दिया है बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, थर्ड ऑप्शन दिया है रिटार्ड इट्स मोशन, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। इट मींस कोई भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो वो बॉडी के ऊपर उसके वजह से क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में यहां पे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है चेंज इट्स मोशन, इट मींस बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो क्या उसके वजह से बॉडी का मोशन चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। इट मींस जो इसका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन दिया है बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इट मींस क्या कोई फोर्स के वजह से आप दूसरे फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप इक्विलिब्रियम में करते थे। जब कभी भी आप बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो एफबीडी ड्रॉ करते समय बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेट करना होता है, इट मींस बैलेंस कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में सेट करना होता है। तो उसके लिए आप फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से शो करते हैं ताकि वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। इट मींस जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया है रिटार्ड इट्स मोशन, इट मींस क्या कोई फोर्स के वजह से बॉडी का मोशन कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। कोई फोर्स के वजह से बॉडी का मोशन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। इट मींस यहां पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहां पे दिए हुए तीनों ऑप्शंस ऊपर के करेक्ट है और लास्ट ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। इट मींस क्या ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल यहां पे ऊपर के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। इट मींस ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। और अब आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केजी एम स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया है एम टू द पावर 4, थर्ड ऑप्शन दिया है केजी पर एम स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन दिया है एम क्यूब। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट के बारे में पूछा गया है। इसके पहले हमने जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स लिए थे, हर प्रॉब्लम में हमने आपको बताए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कोई भी प्रॉब्लम में आपको यूनिट हमेशा अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 लिखना है, मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर टू द पावर 4 लिखना है, मीटर में दिया है तो मीटर टू द पावर 4 लिखना है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए भी है। तो यहां पे फाइनली ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एम टू द पावर 4, इट मींस मीटर टू द पावर 4। और अब आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ मशीन हैविंग एन इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिवर्सिबल मशीन, सेकंड ऑप्शन दिया है नॉन रिवर्सिबल मशीन, थर्ड ऑप्शन दिया है नाइदर रिवर्सिबल नॉर नॉन रिवर्सिबल मशीन, फोर्थ ऑप्शन दिया है आइडियल मशीन। तो ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन की बात हो रही है। इसके पहले ऑलरेडी हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फॉर्मूले बताए थे। उसमें हमने आपको कहा था कि कोई भी मशीन का अगर इफिशियंसी मोर देन 50% है तो वो मशीन को रिवर्सिबल मशीन कहते हैं, और अगर इफिशियंसी लेस देन 50% है तो उसको इररिवर्सिबल मशीन कहते हैं। तो यहां पे वही पूछा गया है कि मशीन का अगर इफिशियंसी मोर देन 50% है तो वो मशीन को क्या कहते हैं? तो वो मशीन को रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। इट मींस ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिवर्सिबल मशीन। और अब आज का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेचर ऑफ सर्फेसेस, सेकंड ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है शेप ऑफ सर्फेसेस, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन यूनिट से पूछा गया है। इसके पहले हमने जितने भी फ्रिक्शन के वीडियोस बनाए थे उसमें हमने हर वीडियो में कहा था कि जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। फ्रिक्शन कहां पे होगा ये कैसे समझ में आएगा? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी के कॉन्टैक्ट में कौन सा सरफेस है उसके ऊपर। सरफेस के ऊपर पूरा खेल है। नेचर ऑफ सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ सरफेस, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर बॉडी के कॉन्टैक्ट में कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है या वर्टिकल सरफेस है या इंक्लाइंड सरफेस है या बॉडी के कॉन्टैक्ट में कोई दूसरे बॉडी का सरफेस है तो हर जगह आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन होगा। लेकिन यह भी आपको चेक करना है कि वो सरफेस रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है। वैसे फ्रिक्शन के कोई भी प्रॉब्लम में ये
क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पर्टिकुलर सरफेस रफ है या स्मूथ है। अगर रफ सरफेस है तो वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है, और अगर स्मूथ सरफेस है फिर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे नहीं शो करना। तो फिलहाल यहां पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रिक्शन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहां पे ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नेचर ऑफ सरफेस, सब कुछ डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। और अब आज का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1+m, सेकंड ऑप्शन दिया है 1-m, थर्ड ऑप्शन दिया है 1/m, फोर्थ ऑप्शन दिया है m। तो यहां पे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का इनडायरेक्टली फार्मूला पूछा गया है, ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूनिट में आता है, और हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स्ट वीडियो में सभी फार्मूले जहां लिख के दिए थे उसमें हमने मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इसका फार्मूला बताए थे 1/m। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1/m, इट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।